देश में वैक्सीनेशन को लेकर कई बार सवाल उठे। विपक्ष वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल उठाता रहा है, लेकिन पलवल में वैक्सीनेशन से जुड़ा जो मामला सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि पलवल सिविल अस्पताल में एक मृत व्यक्ति का ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना दिया गया, जिससे सवाल ये उठा कि क्या यहां पर मुर्दों का भी वैक्सीनेशन किया जाता है। देखिए, कोरोना पर जीत हासिल करने की पहली शर्त वैक्सीन। एक साल पहले तक पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए इंतजार में बैठी थी। वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आखिर में कोरोना की खुराक मिली तो भी क्या। कोरोना काल में लूट का बाजार यूं ही भरता गया। आपदा को कई लोगों ने अवसर में बदल डाला। दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी की गई। हद तो तब हो गई जब कालाबाजारी के इस जंजाल में जीवन देने वाली वैक्सीन का नाम भी शुमार कर लिया गया। वैक्सीन लगाने से बचने के लिए एक फेक सर्टिफिकेट बनाने के तो अब तक कई मामले सामने आ चुके, लेकिन कालाबाजारी की सारी हदों को पार करते हुए कुछ लोगों ने मुर्दों के भी फेक सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया। किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की उस कर्मचारी से कि हमारा ये है, इनका टीका लग चुका है, उसका सर्टिफिकेट इशू कर दो, तो उसने वो सर्टिफिकेट इशू किया, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। इसके मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और पूरी तरह से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह एम्प्लॉई मेरे DIO ऑफिस के अंडर नहीं आता है। यह शायद जो एम्प्लॉई हमें लग रहा है, हम पहले ढूंढना पड़ेगा कि है सुदर्शन बताया जा रहा है उसका। हाँ, सुदर्शन है, उसको देखते हैं किसके अंडर आता है, और जिस भी अधिकारी के अंडर आता है वहां से संज्ञान में लाया जा सकता है कि वो आज अनुपस्थित है या लीव लेकर गया है। वो अभी हम देख लेंगे कि वो कहाँ पर है और उसको जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। आज ही इस बारे में कमेटी बनाई गई है, CMO सर द्वारा कमेटी बनाई गई है। आज ही हम ये जांच शुरू करके जल्दी सारे तथ्यों को अपने सामने रखेंगे। पूरा मामला पलवल सिविल अस्पताल से सामने आया है। सुदर्शन नाम के एक लैब टेक्नीशियन ने जो काम किया है उसके बदले वाह वाही तो नहीं, लेकिन जेल की सलाखें जरूर मिलेंगी। 1500 रुपए के बदले में सुदर्शन ने एक मृत व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना डाला। इस सर्टिफिकेट की वैक्सीन के रजिस्टर में एंट्री नहीं दिखाई गई। जहां एक तरफ अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच की बात कही है, तो आरोपी सुदर्शन का कहना है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कुछ पैसे भी देने की कोशिश करी, मैंने मना भी करा था कि ये नहीं हो सकता ऐसा जो है, और ऐसा करना जो गलत है, क्यों हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जा रही है। उनने मेरे हाथ में पैसे देने की कोशिश करी, मैंने उनको मना भी करा कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। आरोप है इससे पहले भी ऐसा होता रहा यहाँ पे? इससे पहले मैंने सर कभी नहीं करा ऐसा जो है, और ये जो है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो रिकॉर्ड मिलेगा इसका, जिस तरह से ये आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इनका सर्टिफिकेट बनाया? इसका सर रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, इसका जो है देखने को अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो करते हैं उनके पास शायद। कोरोना काल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया, कालाबाजारी के काम को धड़ल्ले से अंजाम दिया गया। ये ऐसे गुनाह हैं जिनकी माफी ना ही कानूनी किताबों में मिलेगी और ना ही कभी ऐसे लोगों को इंसानियत माफ करेगी। जरूरत है ईमानदारी के बीच बेईमानी को बढ़ावा देने वाले ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें भीतर।